नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पॉलिसी ली थी, लेकिन किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भरने के कारण पॉलिसी बंद हो चुकी है यानी लैप्स हो चुकी है, लेकिन फिर से उस पॉलिसी को शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल LIC ने बंद हो चुकी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए खास रिवाइवल अभियान 10 अगस्त को शुरू किया है, जो कि 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत LIC की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी। इसके लिए प्रीमियम में चूक की तारीख 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपने जो आखिरी बार प्रीमियम भरा था और से लेकर के अभी तक, मतलब जब आप रिवाइव करेंगे तो 5 साल से ज़्यादा अवधि बितनी नहीं चाहिए, तब आपको मौका मिलेगा। रिवाइवल के लिए पॉलिसी धारक को विलंब शुल्क में 20 से लेकर के 30% तक की छूट मिलेगी। उच्च जोखिम वाले प्लान जैसे टर्म एश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल रिस्क पॉलिसी के मामले में विलंब शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। ऐसी पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान वाले टर्म में लैप्स हो चुकी हैं और रिवाइवल डेट तक जिनका पॉलिसी टर्म पूरा नहीं हुआ है, उन्हें ही इस अभियान के लिए रिवाइव किया जा सकेगा। 1 लाख तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 20% तक छूट मिलेगी और अधिकतम 1,500 रुपये। वहीं 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 25% तक छूट मिलेगी और अधिकतम 2,000 तक छूट मिलेगी। 3 लाख से अधिक के बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 30% तक छूट मिलेगी और अधिकतम छूट 2,500 रुपये तक मिलेगी। यानी आप विलंब शुल्क में छूट पा करके अपने लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, यानी दोबारा शुरू कर सकते हैं। सवाल है कि लैप्स पॉलिसी को दोबारा कैसे शुरू करें, तो इसके लिए आप अपने एजेंट से बात करें या फिर जिस दफ्तर से पॉलिसी जारी हुआ है वहां जाकर संपर्क करें। पॉलिसी का मूल दस्तावेज आपके पास रहना चाहिए, पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म आपको भरना होगा, इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट, बकाया प्रीमियम और पेनल्टी भरनी होगी। मेडिकल रिपोर्ट कराने का खर्च पॉलिसी होल्डर को देना होगा। साथ ही रकम पर कंपनी द्वारा तय की गई दरों से ब्याज की रकम भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, स्टैम्प ड्यूटी और एफिडेविट जमा करना होगा, और अब तो आधार नंबर भी देना जरूरी हो गया है पॉलिसी के संदर्भ में। तो इस तरह से आप लैप्स पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं सस्ते में। सवाल है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि पुरानी पॉलिसी को ही मैं रिन्यू करवा लूँ या रिवाइव करवा लूँ या फिर कोई नई पॉलिसी ले लूँ। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आप पुरानी पॉलिसी की जगह पर वही पॉलिसी अब लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। अगर पुरानी पॉलिसी को रिवाइव करवाएंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो पहले जैसा ही रहेगा और सम इंश्योर्ड आपको उतना ही मिलेगा। पुरानी पॉलिसी को दोबारा चालू नहीं कर नई पॉलिसी लेने का विकल्प है, लेकिन पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी महंगी होगी, क्योंकि उसी पॉलिसी के लिए ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तब पॉलिसी लेने वाले की उम्र ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, अगर बढ़ी हुई उम्र में आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है समान इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब सवाल है कि पॉलिसी लैप्स क्यों हो जाती है, तो प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख और ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम नहीं जमा करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब है ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है। ग्रेस पीरियड मतलब उस दौरान बिना इंटरेस्ट या जुर्माना के पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना। मासिक प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 15 दिन ग्रेस पीरियड माना जाता है। तिमाही, छमाही, सालाना प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 30 दिन ग्रेस पीरियड माना जाता है। यानी इस पीरियड में भी आप बिना जुर्माना का, बिना इंटरेस्ट का प्रीमियम भर सकते हैं और समान सम इंश्योर्ड, समान जो लाभ है उसका फायदा आप उठा सकते हैं। हर कंपनी और कुछ पॉलिसी के लिए यह अवधि अलग अलग मुमकिन हो सकती है। ग्रेस पीरियड के समाप्त होने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। पॉलिसी लैप्स होने का मतलब, पॉलिसी खत्म यानी लैप्स हो जाने का मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का कोई भी फायदा उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को नहीं मिलेगा।
जब तक आप पॉलिसी फिर से शुरू नहीं करते, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तें अपने आप समाप्त हो जाते हैं, यानी आपको सभी लाभ मिले ये जरूरी नहीं है पॉलिसी लैप्स होने पर। कुछ योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में कुछ दवा रियायतें मिलती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक प्रीमियम भरा है। प्रीमियम भरना छोड़ने के दो साल तक कोई भी अपनी बंद हो चुकी LIC पॉलिसी को रिवाइव करा सकता है। 2010 से पहले यह अवधि 5 साल थी। 2 साल बाद आप चाहें तो क्लेम कर अपना पैसा ले सकते हैं, या फिर इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा। किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान के मामले में ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर यह पेड अप पॉलिसी बन जाती है। पेड अप पॉलिसी का मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को जितना समय श्योर देने का वादा किया है उससे कम समय श्योर मिलेगा। यहां पर बात आ रही है ट्रेडिशनल पॉलिसी। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में टर्म पॉलिसी हो गया, होल टर्म पॉलिसी हो गया, मनी बैक पॉलिसी हो गया, एंडोमेंट पॉलिसी हो गया, और नॉन ट्रेडिशनल में यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दो तरह के प्लान होते हैं जब आप LIC खरीदने जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास मौका है। पुरानी पॉलिसी अगर बंद हो चुकी है प्रीमियम नहीं देने की वजह से तो आप रिवाइव करा सकते हैं और सारे फायदे आप उठा सकते हैं, वो भी सस्ते में छूट पा करके। तो आज इतना ही। नमस्कार।